दोस्तों, आइए ये भी हमारी बारामासी आ रही है। एसके स्टूडियो के प्रबल सौजन से मैं सचिन दीवाना गांव मेहमतपुरा से। अरे जीवना करी बेकार, भूल गयो बंदे ईश्वर को। अरे जीवन करी बेकार, भूल गयो बंदे ईश्वर को। तेने धर्म को छोड़ो सात के पाप कमायो अधर्म को। हाँ दोस्तों, शब्द लिखे हैं कवि साहब ने कि आज कलयुग पर आप देख रहे हो सौम्याधर चैतन्य जी के पीछे, जिनको कथावाचकों को आज तक आप लोगों ने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, जिनको बोलना भी नहीं आता है आजकल, वो भी यूट्यूब पर चिल्ला रहे हैं। तो उन भाइयों से मेरा कहना है, तुलना कर बाते अरे नाम की, तुलना कर बाते। तुमा घर पे गाली दे के ठेका पे दारू पिया, मेरा साथ ही साथ कहना है, कुछ लोगों के मंच बैठने के बाद शंकर भैया गलवारे चलते हैं, जिसे गुटका कहा जाता है, और मुंह में भरा मंच से क्या क्या कर्म कर रहे हैं वो लोग, इनको कथा कहना मेरे दिमाग से तो फेल है। मंच से नीचे उतार लीजिए और दो चार लगाइए जैसी आराम। मंच से हुक्म चलाते अरे मंच से हुक्म चलाते इनके मुंह में गुटका भरो नीत के शब्द सुना। एक गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य को डांटना समझाना, लेकिन वहां पर बात उस घर की थी, लेकिन आप लोगों ने कोई गाड़ी के आगे बैठ गए हैं, कोई गाड़ी के पीछे है, कोई गांव में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। आप वक्ता हैं आखिर, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जैसा स्वभाव है। लेकिन सुनो, मरी बैठे आपस मेरे भाई, अरे के मरी बैठे
में भैया चुगलन ने हाँ दुर्गति करवाई। ए भैया और खास करके एक बात कहने चाहता हूँ जो याद आ गई है, कुछ लोग स्वामी जी के बारे में बहुत तो अपशब्द बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक है यादवों में सबसे पहले हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री परम सम्मानी बाबा श्री रामनाथ शास्त्री जी कथा का वाचन करते हैं और उनके बाद स्वामी जी आदर्श रतन जी कथा कहते थे और कहते हैं, उनके बाद स्वर सम्राट जी आला सम्राट जी, उनके बाद अन्य लोग भी हैं और हमारे गुरुदेव श्री आचार्य गजेंद्र माधव जी भी कथा कहते हैं, लेकिन समझदार वक्ता की ये पहचान होती है कि कभी वो यूट्यूब हो या व्यक्तिगत लड़ाई हो तो उसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन आजकल के कलाकार क्या कर रहे हैं सुनिए इस सोशल मीडिया के द्वारा। अरे बोले तुझे की डारी रे, एक दूसरे से बात की और YouTube पर डाल दी। अरे बोले तुझे की डाली रे, भैया रही के बिरथा गाल बजाई रहे। ए भैया तुमको शरम न रही के बिरथा गाल बजाई रहे। इसीलिए अपने अपने जो अच्छे कथावाचक हैं भैया सब लोग कथा करो, ये आपस की लड़ाई में कुछ नहीं है, और जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते हैं तो अपनी विद्वानता का परिचय अपने पौरस तेज दीजिए। इस YouTube पर नई क्लिप डालने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अंतिम समय में कुछ शब्द हैं। भैया मिले या धर्म की माया तज दियो। ए भैया जामे दोस्तों, ये लोगों की विशेष फरमाइश पर मेरे पास फोन आए कि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो सचिन, कारण क्या है? तो सचिन एक कथावाचक हैं और मैं कथा ही करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जी का और हमारे बड़े भैया का आदेश था कि आपको कुछ नहीं बोलना, इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन आप लोगों की ही बेहद फरमाइश थी कि सचिन दो शब्द बोल दीजिए, तो मैं आप लोगों के समक्ष भक्तों करी सुरखो ध्यान